हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, मैं आ गया आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल, और आई होप आज का ट्यूटोरियल आप लोगों को समझ में आएगा। फ्रेंड्स, एक्चुअली आज का जो वीडियो है वो कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिससे कि मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। बेसिकली फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा तीन चीज़ों के बारे में, जो कि है पहला प्रोसेसर, दूसरा है रैम और तीसरा है HDD। हाँ, तो हमें यहाँ पे ये तीन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों की, ये तीनों चीज़ें जो है काम कैसे करती हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आप लोगों का एक जो डाउट होता है कि मुझे अच्छा रैम चाहिए, मुझे 8GB का रैम चाहिए अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो मेरा कंप्यूटर बहुत फास्ट चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे SSD लगानी चाहिए, तब जाकर मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर फास्ट चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, तब मेरा लैपटॉप अच्छा चलेगा। तो क्या चीज़ अच्छा होने से आपका कंप्यूटर और लैपटॉप या डेस्कटॉप अच्छा चल सकता है, और लैपटॉप या डेस्कटॉप ना लेते समय किस चीज़ का ध्यान रखा जाए, इस चीज़ के बारे में आज आप लोगों को बेसिकली बोलने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर मेरा चैनल बना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली बात यहाँ पे ये आती है कि देखिए, एक्चुअली बात यहाँ पे ये आती है फ्रेंड्स कि ये जो प्रोसेसर है और ये जो रैम है और ये जो हार्ड डिस्क होता है हमारे लैपटॉप में, ये तीनों चीज़ जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। अब निर्भर होने का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले तो हमारा आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स। हार्ड डिस्क जो होता है वो हमारा डेटा स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कहीं अगर आपको अपना डेटा स्टोर करके रखना है, जैसे कि विंडोज़ की फाइल हो गई। हाँ, आप लोग सोचते हो कि विंडोज़ कहाँ पर सेव होता है, तो फ्रेंड्स विंडोज़ भी हमारे मेमोरी या हार्ड डिस्क के अंदर में ही सेव होता है, ठीक है। तो विंडोज़ की जो फाइल होती है जो कि बूट होने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो जो होती है वो हमारे हार्ड डिस्क में सेव होती हैं। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारे हमारे हार्ड डिस्क में सेव होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आती है रैम। रैम क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको मान लीजिए कोई प्रोग्राम को रन करना, जो प्रोग्राम रन होता है तो जो थोड़े समय के लिए उसका जो डेटा होता है वो रैम के अंदर में आके स्टोर होता है। अब ये जो प्रोसेसर है ये क्या काम करता है थर्ड नंबर पे, कि जो प्रोसेसर है वो जो डेटा अब रैम में स्टोर है उसको प्रोसेस करने का काम में आता है। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि कैसा क्या काम करता है, तो मैं आप लोगों को एक आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसको एक कहानी समझते हैं। कहानी ऐसा है फ्रेंड्स कि एक पार्टी चल रही, ठीक है। अब पार्टी में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि एक आदमी आया, बैठा, जो खाना देने वाला आदमी था उसने कहा कि मुझे खाना खिलाने वाला कोई आदमी चाहिए। तो एक आदमी आया, कहा कि मैं खाना खाऊंगा, चलो भाई तुम खाना खा लो। वो बैठ गया खाना खाने। उसके बाद अब आया, अब उसने कहा कि भाई मैं तो आगे बैठ गया, अब मुझे खाना चाहिए। तो खाना मतलब देने वाला जो आदमी है उसने क्या किया कि उसके सामने एक थाल रख दी जिसमें खाना पड़ा हुआ था, ठीक है। अब वो बैठा हुआ था, वो थाल को देख रहा था और थाल में खाना पड़ा हुआ था, वो खा नहीं रहा था। सब लोगों ने पूछा है तुम खा क्यों नहीं रहे हो एक्चुअली खाने को। उसने कहा कि थाल में खाना पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे खाने के लिए बैठा हूँ, मगर मेरे मुँह तक तो खाना लेकर जाएगा कौन। तो इस टाइम पे क्या हुआ फ्रेंड्स कि सब लोगों ने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, तो उसने कहा चम्मच चाहिए मुझे। तो चम्मच उसने लिया और अपने मुंह में डाल दिया और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। तो रैम का भी यही कमाल है फ्रेंड्स, यानी कि हार्ड डिस्क में सारे डेटा स्टोर रहते हैं, ठीक है। वो डेटा क्या होते हैं कि वो परमानेंटली हमेशा वो स्टोर करते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपके विंडोज़ की फाइलें हैं या आपके फ़ोटोज़, ऐसा नहीं होता कि आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ और आपका जब कंप्यूटर ऑन करोगे तो सारी फाइलें डिलीट हो जाती है, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा पड़ी रहती है, जब भी जरूरत होता है आप उसको कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसको यूज़ करते हो, उसको ओपन करके देख भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे रैम जो होता है वो चम्मच ही काम करता है, जो हमारा हार्ड डिस्क और थाल हो जिसमें खाना पड़ा हुआ, चम्मच का काम रैम करता है। यानी कि रैम क्या करता है कि जहाँ भी आपके प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं है, जहाँ भी आपके फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट्स इंस्टॉल है, उसको हार्ड डिस्क से उठाता है और अपने अंदर स्टोर करता है।
और अपने अंदर स्टोर करने के बाद आप चम्मच में तो खाना आ गया, उसको खाने वाला कौन हो सकता है? प्रोसेसर, यानी कि वो आदमी मीन्स प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या करता है कि रैम क्या करता है कि रैम के पास जितना भी डेटा है वो प्रोसेसर को देता है और प्रोसेसर वो सारे डेटा को प्रोसेस करता है, यानी कि उस डेटा को डिस्प्ले करना है या क्या करना है वो सारे काम जो है वो करते हैं। अब इस काम में रैम का एक लाइव एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दूंगा बहुत जल्दी वीडियो के लास्ट में। बट पहले ये सारी चीज़ समझने के बाद अभी एक और कॉन्सेप्ट जिसको आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि होता है एक कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रेंड्स कि हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर में। सबसे पहली मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब इन दोनों मेमोरी का काम क्या आता है? अब अगर मान लीजिए फ्रेंड्स किसी भी इंटरव्यू में एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, तो आप बोलोगे क्या? रैम। हाँ, हमारे लैपटॉप के अंदर में जो रैम लगा होता है वो होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि प्राइमरी मेमोरी में डेटा जो है वो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए डेटा जो है वो स्टोर रहता है, सिर्फ इसलिए ताकि प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस कर सके। और सेकेंडरी मेमोरी होती है आपके हार्ड डिस्क, जिसमें कि आपका सारा डेटा परमानेंट टाइम के लिए पड़ा हुआ है, वो कभी डिलीट नहीं होता। इसीलिए फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर को जब रन करते हो, किसी प्रोग्राम को या कोई भी चीज़ को जब आप रन करते हो, तो जब आपका कंप्यूटर ऑफ होता है, जैसे कि बिजली चली गई, इस वजह से जब आपका कंप्यूटर ऑफ होता है तो ऑन करने के बाद वो सारी चीज़ जो है वो चली गई रहती है। या कोई फाइल अगर होती है उसको अगर आप सेव नहीं करते हो, तो जब आप लैपटॉप को अगर हटात मान लीजिए कि आपका लैपटॉप ऑफ हो गया डेस्कटॉप, तो आप जो है उसको वापस से नहीं रिस्टोर कर सकते। इसीलिए क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि जब तक कोई फाइल सेव नहीं होती, अब सिंपली फॉर एग्जांपल आपने एक नोटपैड लिया, नोटपैड ओपन किया और नोटपैड ओपन करने में उसमें आपने कोई चीज़ लिख दी, मगर जब तक आप उसको सेव नहीं करते तक वो चीज़ फाइल है वो आपके हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर नहीं होती, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में जाकर वो स्टोर नहीं होती और वो तब तक प्राइमरी मेमोरी में ही रहती है। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी का एक काम क्या है कि वो तभी तक अपने अंदर वो डेटा स्टोर रखते जब तक कंप्यूटर ऑन है या जब तक वो प्रोग्राम रन कर रहा है, उसके बाद वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो ये बात है फ्रेंड्स, और यही बात है। और यहाँ पे तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। अब आते हैं फ्रेंड्स इस बात पे कि रैम ज़्यादा अच्छा होना चाहिए या प्रोसेसर या हार्ड डिस्क आपके लैपटॉप को फास्ट चलने के लिए। फ्रेंड्स देखिए चीज़ क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे सारे बॉडी पार्ट्स जब तक अच्छे नहीं रहते तब तक हम अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाते। सो इसी की तरह हमारा कंप्यूटर भी होता है, अगर कंप्यूटर में कोई भी पार्ट्स अगर कमज़ोर होता है तो आपके कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो लो होता है। तो इसीलिए चाहे वो आपका ग्राफिक्स कार्ड हुआ, अगर ग्राफिक्स कार्ड अच्छा नहीं हुआ तो फ्रेम ड्रॉपिंग की समस्या आई, यानी कि आपने फाइल एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दिया, फाइल एक्सपोर्ट तो ओपन होने का तो हो गया मगर डिस्प्ले पर वो एक सेकंड बाद शो करेगा, तो इस तरीके की समस्या आती है। प्रोसेसर अगर अच्छा नहीं होगा तो रैम में तो डेटा स्टोर होगा मगर रैम में डेटा स्टोर होने के बाद भी प्रोसेसर जो है वो उस डेटा को फुल्ली एक्यूरेटली और फास्ट उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, जिस वजह से आपका जो प्रोसेसिंग है वो स्लो रहेगा। और आपका जब तक आपका हार्ड डिस्क अच्छा नहीं रहेगा तब तक वो जो डेटा है वो रैम हार्ड डिस्क से यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में वो कॉपी होने में टाइम लगेगा। यानी कि चाहे प्रोसेसर हो, चाहे रैम हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, इन तीनों चीज़ों को आपको प्रॉपर मैनर में सही तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर अगर कमज़ोर है तो रैम को आपने अगर 8GB का लगा लिया है, 16GB का लगा लिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि रैम में भले ही डेटा स्टोर हो मगर प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा। और अगर आपके पास प्रोसेसर अच्छा है और रैम अगर कम भी है तो चल जाती है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार में बहुत सारे विंडोज़ या बहुत सारे प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, मगर जिस भी प्रोग्राम को रन करोगे वो बहुत जल्दी ओपन होकर रन होगा। और हार्ड डिस्क जो है वो अच्छा चाहिए ताकि बहुत फास्टली वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा है वो कॉपी हो सके। तो हमेशा फ्रेंड्स आप इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क नया लैपटॉप लेते समय। अब बहुत लोग कहते हैं कि मुझे SSD लगानी चाहिए। फ्रेंड्स SSD और HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव,
इन दोनों का जो कंपैरिजन है उसका वीडियो मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए बहुत जल्द। थोड़ा वेट करिए और इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाइए तो मैं जरूर लेकर आऊँगा। सो अब चलते बढ़ते हैं लाइव एग्जाम्पल की और, क्या सच में रैम जो है वो टाइम बाई टाइम के लिए डेटा स्टोर करके रखता है। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं डेस्कटॉप पे और चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि जो रैम है वो कैसे वर्क करता है। सो सबसे पहले मैं अपने एनवीडिया का जो स्पीच रेट है वो कम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको डीसी कॉल का दिखा देता हूँ। Go to the window, search box edit plan. Okay, I'm going to go this PC. T. I S. This PC app, press right to switch preview 1 to 3. Okay, so here my PC is open. This PC window, items view list, folders grouping expanded, 3D objects. Now, friends, here I have a USB drive, which is letter G. Okay, here I U. Devices and drives grouping expanded. USB drive left parent, G colon right parent, row 2 column 2, 12 of 12. अब यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइलें पड़ी हैं, ठीक है, एंटर कर रहा हूँ। Preview level 2 USB drive left parent, G colon right parent, collapsed 11 of 11. Items view list, development line accessories. अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मेरे पास एक नॉन कॉपीराइट म्यूजिक पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे। I, Dixon dash blue sky left parent. इस पे मैं जब एंटर करूंगा तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है एक म्यूजिक है तो मैं एंटर करने पर तो प्ले होगा ही, तो मैं एंटर कर रहा हूँ। अब मैं दिखाना क्या चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहले इसको ओपन कर रहे हैं, हो रहा है ओपन ये। ओके, तो जैसा कि आप लोग देखें ये प्ले होने लगा। अब सबसे पहले मैं इसको पॉज कर देता हूँ। ओके, ये मैंने पॉज कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि इसमें ऑल्टर फोकस यूएसबी को बंद कर दिया। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब मैं फिर से यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ म्यूजिक को, तब भी प्ले हो रहा है। अरे मैंने तो डिस्प्ले को ऑफ कर दिया, तब ये कहाँ से ये म्यूजिक का जो फाइल है वो ले रहा है। अच्छा, अभी भी नहीं समझे, ठीक है मैं काम कर रहा हूँ। ये पेन ड्राइव जो मैं लगाया इसको मैं निकाल देता हूँ। देखिए ओके, मैंने पेन ड्राइव भी निकाल दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे मैं फिर से डिस्प्ले को ओपन करता हूँ। देखिए This PC app, press right to switch preview this. PC को देखिए मैंने ओपन किया। This PC window, items view list, folders grouping. यहाँ मैंने इस PC को ओपन किया सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने सच में अपने pen drive को निकाल दिया। अब यहाँ पे कोई भी USB drive show नहीं कर रही। You. क्योंकि USB drive यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। Now playing. अब आप लोग ध्यान से समझिए friends कि मैंने अपनी pen drive निकाल दी है, फिर भी ये जब मैं इस पर प्ले कर रहा हूँ, प्ले हो रहा है। देखिए Windows Media Player dialog. Close button. Space pressed. Now playing. ये जो है प्ले हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? Grouping. Okay. Switch the library button. Seek slider track time format button change the. इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, ये प्ले इसलिए हो रहा है क्योंकि पेंडर निकाल देने के बाद भी इसलिए प्ले हो रहा है क्योंकि जो हमारा जो फाइल था वो हमारे रैम में आके स्टोर हो चुका, ठीक है? मतलब जो हमारे MP3 सॉन्ग का जो फाइल था उसका जितने भी डेटा है वो उस डेटा को हमारे रैम ने स्टोर कर लिया है। अब ये जो रैम है ये इसके पास जो भी इस म्यूजिक का जो डेटा है वो क्या कर रहा है, CPU को दे रहा है। CPU उसको प्रोसेस करके विंडोज मीडिया प्लेयर में उसको प्ले कर रहा है, ठीक है? तो इसीलिए USB निकाल देने के बाद भी ये जो म्यूजिक है वो बज रहा था, ठीक है? अब मैंने इसको स्टॉप किया है तो ये बज रहा था। तो आप चाहे आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप अब आप जो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअली रैम जो वर्क कैसे करता है। रैम किसी भी डेटा को अपने पास स्टोर करके रख लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस को देता है, CPU को देता है या प्रोसेसर को देता है, वो प्रोसेसर जो है वो उस डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है? तो ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और मैं चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो उन लोगों को भी पता चल जाए कि ये जो तीन चीज़ें होती है रैम, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क, इन तीनों का चक्कर क्या है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। और एक बात और, कोविड का जो सिचुएशन है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो संभल करिएगा।
सो ओके फ्रेंड्स, गुड बाय और मिलेंगे अगली वीडियो में।